हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीली फ्लेवर्स। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज करी। इसे हम कुकर में बनाएंगे, तभी तो ये जल्दी और टेस्टी बनेगी। अब फ्लेम ऑन करके हम कुकर को चढ़ा देंगे। इसमें 4 स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसके लिए हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज करेंगे। आप भी इसे मस्टर्ड ऑयल से ही बनाएं। आप चाहो तो ऑयल का क्वांटिटी 2 स्पून ज्यादा भी डाल सकते हो। मैं इसे कम ऑयल में हेल्दी तरीके से बनाऊंगी। इधर ऑयल गरम हो गया, अब इसमें 1 साबुत लाल मिर्च, 3 लौंग, 1 स्टार एनिस डालेंगे। इसको थोड़ा भून लेंगे हम। इसमें 2 आलू ले लिया मैंने, 2 कटे हुए गाजर ले लिया और 200 ग्राम बीन्स डालेंगे। इसे हम हल्का भून लेंगे। हमारी सब्जियां हल्का भून चुकी है। अब इसमें हम कम तेल हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फ्लेम को लो रख के सब्जियों को भून लेंगे। नेक्स्ट इसमें एक बड़ा कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर के साथ सब्जियों को 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। हमारी सब्जियां भून चुकी है। नेक्स्ट इसमें बैगना कुटा हुआ अदरक और 4 से 5 हरी मिर्च को में 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ताकि मसाले गले। मसाले के साथ इन सब्जियों को थोड़ा भून लेंगे 2 से 3 मिनट। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जियां मसालों के साथ अच्छे से भून चुकी है। इसे 2 से 3 मिनट ही मसालों के साथ हल्का भूने। इसमें मैंने थोड़ा कसूरी मेथी ऐसे भून के डाल दिए हैं। अब थोड़ा 1/2 ग्लास पानी दे देंगे। आप अपनी सब्जियों के अकॉर्डिंग पानी को एडजस्ट कर लें। कुकर के लीड को बंद कर देंगे। मीडियम फ्लेम में ही इसे 1 विसल आने तक कुक करेंगे। कुकर में सीटी आ गई है, अब फ्लेम को बंद करें। अब कुकर का प्रेशर खत्म होने का वेट करें। कुकर का प्रेशर खत्म हो गया, अब हम लीड को ओपन करेंगे। हमारा मिक्स वेज करी बनकर तैयार है। इसे एक बोल में निकाल लेंगे। कुकर में 10 मिनट से भी कम टाइम में कितने जल्दी ये मिक्स वेज करी बनकर तैयार है। तो देर किस बात की, आप भी बनाइए और घर में सबको खिलाइए। साथ में ऐसे ही नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।